Audio Jungle. नमस्कार, मैं आदित्य किशोर राजपूत, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में जिला अधिकारी कार्यालय पर, जहां कांग्रेस नेता आगा यूनिस के नेतृत्व में गरीब महिलाएं, जिन महिलाओं को रहने को छत नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों को मकान मिलेगा, आज इसी तरह बेसहारा बेघर जो कि एक भी व्यक्ति छत के नीचे नहीं रहते हैं, ऐसी महिलाएं आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पात्र लोगों को घर न देने, जिन पात्र के पास जमीन है उनको मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद करने हेतु अलीगढ़ महानगर के इलाके में बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। वो कहीं झोंपड़ी, कच्चे मकान या किराए के मकान में बमुश्किल गुजर कर पा रहे हैं। अपने पास मकान न होने के चलते उनके जीवन के हर पहलुओं पर असर पड़ रहा है। आज में भारी मात्रा में महंगाई की मार से सबसे ज़्यादा असर गरीब पर पड़ रहा है। आवासीय योजना के तहत बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने आवेदन किए और बड़ी संख्या में लोगों का आवेदन निरस्त हो चुका है। संबंध अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि पात्र की जांच से लेकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसके अलावा गरीबों के नाम बनाए गए आवास में लोगों का आरोप लग रहा है कि कई गैर पात्र लोगों को आवास पात्र के हक को छीनकर आवास दिए गए हैं। हमारी मांग है कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं हैं, ऐसे लोगों के आवेदन लिए जाएं और इनको आवास दिए जाएं। जिन पर ज़मीन है उनको वित्तीय मदद योजना अनुसार दिए जाएं। गरीबों के नाम आवंटित मकान में अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसकी न्यायिक जाँच अब तक कराकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस तरह करीब एक सैकड़ों महिलाएं आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आईं और ज्ञापन सौंपा। महोदय, जो एक वचन जारी करते हैं जिसको प्रवचन ही कहा जाएगा, वो कहते हैं कि हमने गरीबों के नाम पे आवासीय योजना में ये किया वो किया, लोगों को जिनके छत नहीं थे हमने घर दिए। आज मैं इन गरीब महिलाओं को, गरीब लोगों को लेकर के आया हुआ हूँ और आज आपके सामने है कि जिनके पास छत नहीं है, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, सड़कों पर रह रहे हैं, कहीं किराए पर रह रहे हैं, वो गरीब लोग जो है कई कई बार आवेदन करते हैं, उनका निरस्त कर दिया जाता है। पूरा का पूरा आवासीय योजना जो यहाँ पर डूडा के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं घोटालों में लिप्त हैं और ऐसा पूरी तरह से रिसोर्सेज से पता चल रहा है। बावजूद इसके ये कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से, शासन से स्तर से हम ये बात मांग करने आए हैं कि इन सब की आवासीय योजना की न्यायिक जांच कराई जाए, जो अति अनिवार्य है। इन सब पर ईडी के छापे मारे जाएं, अगर ये कहीं लिप्त पाए जाते इनकम टैक्स के छापे मारे जाएं। गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है तो आखिर गैर पात्रों को मकान कैसे? मेरा ये आरोप है, इस आरोप पर जाँच हो, इन गरीबों को आवास मिले, ये हमने ये बात के लिए ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय से हमने अनुरोध किया है। अन्यथा मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इनको आवास नहीं दिया गया तो हम लोकतांत्रिक विकल्पों का उपयोग कर हम शायद जो भी करना होगा हम अवश्य करेंगे। 15 दिन हमारा है, 16वां दिन इनका है। जय हिंद, जय भारत। सारे आवासीय योजना के लोगों के दस्तावेज हैं और ये अधिकारी मुंह पे चुप्पी मार के बैठे हैं, कानों में रुई ठूस के बैठे हैं और मुंह में दही जमा के बैठे हैं, आंखों पे पट्टी बांध के, और गरीब कहाँ जाए तो जहाँ जाए जाए कहाँ। अब हम गरीबों की आवाज मुखर होकर उठाएंगे, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तुम लोगों के लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, चिंता मत करो। मैडम, वो तो मैडम से क्यों नहीं मिल रहे? मैडम से मिलेंगे।